हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर के पेपर नंबर 3 के यूनिट नंबर 1 का। आज हमारा डे नंबर 6 है। डे नंबर 6 से पहले ऑलरेडी हमने 5 वीडियोस में आपका 5 दिन कंप्लीट करवा दिया है। तो आज हम छठा वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। तो पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने यहां तक आपका कंप्लीट करवा दिया था और आज हम लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि विकास की अवधारणा की विवेचना कीजिए, कि विकास की अवधारणा क्या है। तो विकास की अवधारणा के बारे में बात करते हैं। तो हॉबहाउस ने सामाजिक विकास के 4 मापदंडों की व्याख्या कर दी है। हॉबहाउस ने सामाजिक विकास के बारे में बात करते हुए 4 मापदंड रखे हुए हैं। उनमें वो कहते हैं कि किसी भी समुदाय को तब तक विकसित नहीं माना जाएगा जब तक उसकी जो है मात्रा, कार्यक्षमता, स्वतंत्रता और सेवा की पारस्परिकता में वृद्धि नहीं होती है। समुदाय की मात्रा में वृद्धि का अर्थ है कि जनसंख्या बढ़ोतरी हो, शक्ति का उत्पादन और क्रियाओं का विस्तार हो। कार्यक्षमता में वृद्धि से तात्पर्य है कि किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यों का विभाजन करके उसमें सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देना। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि समुदाय के प्रत्येक सदस्य को काम करने का व विचार व्यक्त करने का जो है अधिकार दिया जाना चाहिए। सेवा की पारस्परिकता से तात्पर्य है कि लोगों में जो है पारस्परिक सहयोग और सेवा की भावना होनी चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने 4 मापदंड बताए हुए हैं। विकास के इन मापदंडों के आधार पर ही हॉबहाउस ने पूर्ण विकास और आंशिक विकास में भेद स्पष्ट करते हुए बताया कि कुछ पूर्ण विकास होता है, कुछ आंशिक होता है। यानी कि पूरी तरह से अगर ये 4 मापदंड यूज में आ रहे हैं तो वो कहलाएगा पूर्ण विकास, और अगर कुछ मापदंड में कमी आ रही है तो वो कहलाएगा आंशिक विकास। पूर्ण विकास में विकास के सभी मापदंडों की पूर्ति जो है नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की सीमा तक हो जाती है और उनमें पारस्परिक सामंजस्य बना रहता है। और आंशिक विकास उसे कहेंगे जब इन जो है 4 मापदंडों में से कोई एक या दो संतुष्ट ना पहुंच पाए, संतुष्टि की जो सीमा है वहां तक ना पहुंच पाए, तो उसको कहेंगे क्या कि आंशिक जो है पूर्ण है। अब बात करते हैं, इस प्रकार हॉबहाउस विकास के लिए उपयुक्त 4 जो है मापदंडों की जो है समन्वित रूप से संतुष्टि आवश्यक मानते हैं। कि अगर कहीं पर हम मानते हैं कि यहाँ का विकास अच्छे तरीके से हो चुका है, पूर्ण विकास हो चुका है, तो ये 4 मापदंड वहाँ पर पूरा होना चाहिए। बोटोमोर कहते हैं कि अनेक नवीन समाजशास्त्रीय रचनाओं में विकास का अर्थ एक जो है प्रयोग जो है वो ग्रामीण और कृषि प्रधान औद्योगिकृत समाजों में भेद प्रकट करने के लिए किया गया है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय में जो विकास शब्द का प्रयोग है वो अधिकांशतः आर्थिक अर्थों में किया जाता है। अभी आप देखोगे कहीं कभी विकास की बात होती है ना, तो हमेशा या तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात किया जाएगा या देश के फाइनेंस के बारे में बात किया जाएगा, औद्योगिकरण के बारे में बात किया जाएगा। मतलब अभी जो देश के विकास के बारे में बात करते हैं ना, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, आर्थिक अर्थ होता है। यहां पर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन सब अर्थों को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर दिया जाता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गया, श्रम विभाजन हो गया, विशेषीकरण में वृद्धि हो गया, बाजार का विस्तार हो गया, उत्पादन और उद्योग की बात हो गया, पूंजी निर्माण में वृद्धि हो गया, प्राकृतिक स्रोतों का एक जो है ज्यादा से ज्यादा दोहन कर लिया जाए, मानवीय ज्ञान द्वारा प्रकृति का ज्यादा से ज्यादा प्रकृति पर नियंत्रण कर लिया जाए। आर्थिक विकास को यही सारी चीजें ही इंगित करती हैं। किंतु विकास शब्द के प्रयोग को आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले कुछ विशिष्ट परिवर्तनों तक सीमित नहीं किया जा सकता। विकास अपने आप में बहुत बड़ा है और उसके लिए जो पहले हॉबहाउस ने 4 मापदंड बताए हुए हैं, उन मापदंडों को पूरा करना चाहिए, हॉबहाउस का ये मानना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, सामाजिक विकास से आप क्या अर्थ निकालते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बात करो। तो देखो, सामाजिक विकास जो है वो विकास की अवधारणा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक विकास का तात्पर्य है मानव मस्तिष्क का विकास, जिससे मनुष्य का मस्तिष्क विकास होता है और उससे समाज विकास होता है। क्योंकि देखो, बेसिकली जो हम कहते हैं ना कि हमारा आर्थिक विकास होना चाहिए, राजनीतिक विकास होना चाहिए, सारे विकास किसके लिए हैं, मनुष्य के लिए है। और मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो जब तक एक समाज का विकास नहीं होगा, जब तक मनुष्य का विकास नहीं होगा, चाहे हर एक चीज में विकसित हो जाए, लेकिन अगर सामाजिक विकास नहीं हुआ तो वो राष्ट्र, वो देश, वो जगह, वो स्थान कभी भी विकसित नहीं समझा जा सकता जब तक वहां पर रहने वाले लोग विकसित नहीं होंगे। कहते हैं ना, दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट संसाधन है वो मनुष्य खुद है। जब तक मनुष्य विकसित नहीं हुआ, तब तक कोई भी समाज, कितनी भी आर्थिक स्थितियां कितनी भी मजबूत हो जाए, सारी चीजें हो सके, फिर भी वो समाज जो है विकसित नहीं माना जाएगा। तो सामाजिक विकास की कुछ परिभाषाएं हैं, काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें हॉबहाउस कहते हैं कि विकास से मेरा अभिप्राय किसी भी प्रकार की प्रगति से है जिससे कि मनुष्य संबंधित हो। यानी कि मनुष्य से संबंधित ऐसी प्रगति जो है प्रगति की तरफ आगे बढ़े, आगे लेकर के जाए, उससे विकास कहते हैं हॉबहाउस। इस पर अपना विचार रखते हुए किम ने क्या कहा हुआ है कि सामाजिक विकास का अर्थ
उन उद्देश्यों को प्राप्त करने से है जिसमें समाज के अभाव और अकेलेपन का जीवन व्यतीत कर रहे अधिकांश व्यक्ति जो है उपलब्ध जो सामाजिक संसाधन है वो अपने हिस्से में मांग सकें। इस पर विचार रखते हुए वार्नर कहते हैं कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर में जो वृद्धि है उसी को हम सामाजिक विकास कहते हैं, कि समाज में रहने वाले लोगों का जो जीवन लाइफस्टाइल है अगर वो आगे बढ़ रहा है, वो अच्छा हो रहा है, तो वही है सामाजिक विकास। तो ये जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक अर्थ को अगर हम स्पष्ट रूप से जानना चाहें तो काफ़ी चीज़ें हम समझ चुके होंगे। वार्नर ने व्यक्तियों के जीवन स्तर में जो है वृद्धि अर्थात सुधार को ही सामाजिक विकास माना हुआ है। तो किम ने भी स्पष्ट किया हुआ है, इंगित किया हुआ है कि समाज में सुविधाहीन जो वर्ग हैं उनको सुविधाएं मिल जाए तो वही सामाजिक विकास है। और किम ने अपने विचार में सामाजिक समानता पर ज्यादा जोर दिया हुआ है, बल दिया हुआ है। तो ये था हमारा सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास की विशेषताओं के बारे में बात किया जाए अगर कि सामाजिक विकास की विशेषताएं क्या हैं, तो सामाजिक विकास की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि सामाजिक विकास के अंतर्गत जो है उसमें समाज के सभी वर्गों को जो है समानता के स्तर पर जो है लाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा इसका जो है विशेषता यह है कि सामाजिक विकास मानव जीवन के सभी पहलुओं में सुधार की बात करता है। तीसरी चीज़ है आपका, इसमें परिवर्तन जो है समाज में हो रही प्रगति के अनुरूप होता है। चौथी चीज़ है आपका, सामाजिक मूल्यों और आदर्शों में परिवर्तन आ जाता है और यह परिवर्तन उनके प्रभाव में कमी करता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है सामाजिक विकास की कि समाज में श्रम विभाजन में वृद्धि हो जाती है, कौन किसको क्या काम करना है, क्या करना चाहिए, उस पर बात होना स्टार्ट हो जाता है। अगली चीज़ है आपका, सामाजिक विकास के लिए सार्थक नीति नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। सेवंथ है आपका, सामाजिक संरचना की निर्णायक इकाइयों की पारस्परिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होने लगती है, अर्थात जो है सामाजिक व्यवस्था जन्मजात योग्यता के आधार पर मनुष्य को उसके कार्य कौशल के आधार पर पहचाना जाता है, उसके जन्म के आधार पर नहीं। नेक्स्ट है आपका कि समाज में शिक्षा के स्तर में वृद्धि हो जाती है जब सामाजिक विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सामाजिक विकास की जो है विशेषताओं के रूप में हम काउंट कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ एक समाज की विशेषता है कि अगर एक समाज विकसित हो रहा है तो ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भारतीय संदर्भ में सामाजिक विकास की समस्याएं हैं, इसकी विवेचना करो कि भारतीय संदर्भ में सामाजिक विकास को लेकर के क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं जो सामाजिक विकास में विवेचना मतलब अवरोध का काम कर रही हैं। तो देखो, बहुत सारी समस्याएं भारतीय जो सामाजिक विकास है उसके सामने आती हैं, जिससे पहली चीज़ आ जाती है निर्धनता। भारत वास्तव में एक जो है गरीब देश की तरह ही है, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि विकासशील देश, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जो है यहाँ पर भरपेट भोजन, रोजगार या मूलभूत आवश्यकताएं भी पूर्ति नहीं होती हैं। धनाभाव के कारण नए रोजगार नहीं मिल पाते हैं, जिससे देश का विकास नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपका पॉवर्टी, गरीबी, निर्धनता। दूसरी चीज़ आती है जातिवाद। भारत में जातिवाद में व्यक्ति समाज और राष्ट्र को महत्व नहीं देकर के अपने जातीय हितों को सबसे ज्यादा ऊपर रखता है और अपनी जाति के लाभ के लिए सोचता है। जातिवाद में जातियों को है आंतरिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने में योग दिया जाता है। अब आप देख लो अभी के टाइम पीरियड पर कि जो है लोगों का माइंडसेट क्या हो चुका है कि मेरे रिलीजन के लिए अगर कोई बोल रहा है ना, वो कितना भी गलत कर रहा है, देश बेच दे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो हमारे रिलीजन के लिए खड़ा है, हमारे धर्म के लिए है, तो अब वो हमारे धर्म से जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ कुछ कर रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा है, हम उसको वोट देंगे, हम उसको राजनीति में लेकर के आएंगे, चाहे भले वो पूरा देश बेच करके खा जाए, फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं भारत को सामाजिक विकास की परंपरा जो पहली है, सामाजिक विकास का जो चरण है, उसमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जातिवाद वह भावना है जो जाति के समुदायों को अपनी जाति वालों के उत्थान, उनकी एकता और सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने में मदद करती है। और इस भावना के कारण एक जाति के समुदायों की जो है निष्ठाएँ अपनी जात के लोगों तक ही सीमित रहती हैं, केंद्रित रहती हैं। वो अपने जात से जो है क्षुद्र स्वार्थ के दृष्टिकोण से ही सोच पाते हैं। एंड तीसरी चीज़ बात किया जाए सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता भी कहीं ना कहीं जो है भारतीय विकास सामाजिक विकास में अवरोध करती है। सांप्रदायिकता वो संकुचित मानसिकता है जो किसी एक धर्म और संप्रदाय के लोगों में अपने राजनीतिक व धार्मिक स्वार्थ व हितों को पूरा करने के लिए पाया जाता है। और इस भावना के कारण विभिन्न समुदाय व धर्मों में आपस में खूनी संघर्ष होते हैं। जैसे हमारे देश में अगर बात करोगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी आदि धर्म हैं, और इन सभी धर्मों के अपने अपने राजनीतिक और धार्मिक हित हैं।
जब सभी धर्मों के हित आपस में टकराते हैं तो वो टकराव संघर्ष में बदल जाता है, और धर्मों व संप्रदायों में विभक्त लोग देश की तरक्की का विकास ही नहीं बल्कि दूसरे संप्रदाय किस प्रकार नीचा दिखाया जा सके यहां तक सोचने लगते हैं। अभी आप देखोगे इस टाइम पीरियड पे क्या है कि एक संप्रदाय को लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कानून जो हमारे देश का सबसे बड़ा जो एक पहलू है जो हमारे देश को पूरी दुनिया में दिखाता है कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश में है। लेकिन अभी आप देखोगे कि यूपी में जो भी चीजें हो रही हैं या देश के स्तर पर जो चीजें हो रही हैं कि कहीं पर अगर किसी ने कुछ गलत किया उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया जा रहा है, किसके द्वारा, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है उसके द्वारा चलवा दिया जा रहा है। तो ये किस तरीके से लोकतंत्र की तरफ आप इंगित कर रहे हैं, आपकी मर्जी, आप अगर शासन में है तो आप किसी का भी घर गिरवा देंगे उसको किसी भी थोड़े से चीज को लेकर के। उसका फैसला जो है न्यायपालिका करती ना, जज करते ना, न्यायालय करती ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिकता देखने को मिल रही है कि एक दूसरा पर्सन है जिसके साथ नहीं हो रहा है और दूसरे संप्रदाय के लोग हैं तो उनके साथ हो जा रहा है। तो ये सारी जो मानसिकताएं हैं ये कहीं ना कहीं हमारे देश को विकसित नहीं होने देंगी, और जब तक हमारे देश का एक एक नागरिक इस मानसिकता, इस क्षुब्ध मानसिकता से नहीं उठेगा तब तक हमारा देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। चाहे जितना भी कोशिश कर लिया जाए, जब तक लोग इस क्षुब्ध मानसिकता से ऊपर नहीं उठेंगे ना, देश विकास नहीं कर सकता है। क्षेत्रवाद आ जाता है इसके बाद, जब व्यक्ति अपने ही क्षेत्र के लोगों के हितों को प्राथमिकता देने लगता है और अन्य क्षेत्रों के हितों को अनदेखा करता है तो उनके जो है अंतर क्षेत्रीयता की भावना आ जाती है, और यह भावना देश के विकास के लिए बाधक उत्पन्न होती है क्योंकि दूसरे क्षेत्र के योग्य व्यक्ति भी अनदेखा करके अपने क्षेत्र के अयोग्य व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी, और जब अयोग्य व्यक्ति शासन में आएगा, पावर में आएगा, तो अयोग्यता ही दिखा पाएगा क्योंकि उसके पास योग्यता तो है नहीं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भारतीय समाज के सामाजिक विकास में समस्याएं बनकर के खड़ी हुई हैं। अब जितनी जल्दी इन चीजों का उन्मूलन किया जाएगा, इन चीज़ों को खत्म किया जाएगा, उतना जल्दी ही हमारा देश विकसित हो सकता है, बट कहीं से भी ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही है। अगली चीज आ गई है, अगला क्वेश्चन कि विकास के प्रमुख संकेतकों की व्याख्या कीजिए। विकास का क्षेत्र सामाजिक हो सकता है, जैसे संकेतकों के बारे में बात किया गया है कि विकास जो है इसका क्षेत्र सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, अर्थात एक समाज के सामाजिक जीवन की ओर आर्थिक जीवन में विकास की जो प्रक्रिया है वो क्रियाशील हो सकती है। पर सामाजिक विकास से हमारा तात्पर्य सामाजिक जीवन के की प्रक्रिया, जो विकास की प्रक्रिया है उसकी क्रियाशीलता से है। यद्यपि आर्थिक विकास का भी प्रभाव जो है सामाजिक विकास पर निश्चित रूप से पड़ता है, अगर एक व्यक्ति आर्थिक स्थिति में मजबूत बन रहा है ना तो डेफिनेटली उसकी सामाजिक स्थिति भी मजबूत बनेगी। विकास की इस विचारधारा की दो विशेषताएं हैं। पहली तो ये कि वर्तमान समय में देखे जाने वाले विशिष्ट प्रकार की चर्चा करता है, और द्वितीय यह कि उन निश्चित आर्थिक परिवर्तनों की चर्चा करता है किंतु कुछ जो है जो कि कुछ यथार्थता के साथ नापे जा सकते हैं। जैसे विकास के प्रमुख संकेत क्या है जिसको देख करके हम समझ सकते हैं कि हाँ यह विकास हो रहा है। पहली चीज़ कि इसके अंतर्गत न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी परिवर्तन की प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाएगा। दूसरी चीज़ है आपका बिजली, पानी, परिवहन व संचार हेतु जो है सुविधाओं को सुलभ कराया जाएगा। तीसरी चीज़ है जनता की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाएगा। चौथी चीज़ है शिक्षा का समावेश होगा। पांचवा है योग्य और कार्य कुशलता के आधार पर जाति व प्रजाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर रोजगार के अवसर व रहन सहन के स्तर को निर्धारित किया जाना। नेक्स्ट चीज़ है आपका विकसित देशों की शोषण प्रवृत्तियों का विरोधाभास होना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि हाँ हम जो है विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्मूलन कर रहे हैं। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट करो कि आर्थिक समृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है। तो देखो इनमें डिफरेंस क्या है उसको हम समझते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं आर्थिक समृद्धि है, एक तरफ है आर्थिक विकास। तो आर्थिक समृद्धि का जो संबंध है वो विकसित राष्ट्रों से है, और जो आर्थिक विकास है वो अल्प विकसित राष्ट्रों से संबंधित है। मतलब समृद्धि की मतलब कितना ज़्यादा हम विकसित तो हैं लेकिन उसमें कितना ज़्यादा और एड ऑन किया जा सकता है वो समृद्धि हो गया, और जो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं आर्थिक विकास की तरफ वो अल्प विकसित देश होते हैं। दूसरी चीज़ आपका विकसित राष्ट्रों के उत्पादन में वृद्धि जो है वो समृद्धि कहलाती है, और जो विकासशील देश हैं वहाँ पर उत्पादन वृद्धि और संरचना में होने वाले तकनीकी संस्थागत परिवर्तन जो है आर्थिक विकास कहलाता है कि हाँ अब धीरे धीरे हम विकास की प्रक्रिया में आ रहे हैं, और यहाँ पर विकास ऑलरेडी हो चुका है तो वृद्धि ही होगी। तीसरी चीज़ है आपकी आर्थिक समृद्धि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बल्कि मतलब कि अगर एक अच्छा खासा पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है और जो है आर्थिक विकास की स्थिति को प्राप्त कर लिया है तो अब जो होगा वो धीरे धीरे आगे ही बढ़ेगा, स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन आर्थिक विकास जो होता है वो एक सचेत प्रक्रिया कि कैसे हम अपने देश की गरीबी, निर्धनता, सब चीजों को छोड़ करके अपने समाज को आगे कैसे लेकर के जाए, तो इसके लिए पूरी तरीके से एक सचेत मानसिकता की जरूरत पड़ती है।
आर्थिक समृद्धि में वर्तमान अवस्था में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अगर आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना है ना तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, क्योंकि उन्हीं सारी चीजों को यूज करके तो आज हम इस स्थिति पर पहुंचे हुए हैं कि हम आर्थिक समृद्धि की बात कर पा रहे हैं, आर्थिक विकास को हमने पार कर लिया है, तो उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन आर्थिक विकास के कारण प्रचलित रूप से मूल रूप से बहुत सारे परिवर्तन किया जाता है कि कैसे करके हम अपने देश को आगे लेकर के आए। नेक्स्ट चीज है आपका आर्थिक समृद्धि जो है वो आर्थिक विकास के बाद होने वाली प्रक्रिया है। मतलब आर्थिक समृद्धि कब आती है, जब आर्थिक विकास की स्थिति को आपने प्राप्त कर लिया हो, लेकिन आर्थिक विकास पहले होता है। नेक्स्ट चीज आपका आर्थिक समृद्धि में परिवर्तन की जो गति होती है वो तेज होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने विकास की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, लेकिन आर्थिक विकास की गति जो है आर्थिक समृद्धि की तुलना में क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट चीज है आपका आर्थिक समृद्धि जो है वो सामान्य और नियमित घटनाओं का परिणाम है, जबकि जो आर्थिक विकास है उसके लिए विशेष प्रयास किया जाता है, तब जाकर के आर्थिक विकास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। अगली चीज़ है आपका आर्थिक समृद्धि के लिए आर्थिक विकास को प्राप्त करना आवश्यक होता है, क्योंकि आपको आर्थिक समृद्धि चाहिए तो पहले आर्थिक विकास की स्थिति पहुंच जाओ, लेकिन आर्थिक समृद्धि के बिना आर्थिक विकास जो है संभव नहीं है, जब तक आपकी स्थिति अच्छी नहीं होगी आर्थिक विकास संभव नहीं है। तो दोस्त इस वीडियो में हमने 6th नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया हुआ है, 7th नंबर क्वेश्चन हम आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वीडियो इसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पर डे नंबर 7 में, तो उसमें हम 7th नंबर क्वेश्चन से लेकर के 12th नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 6 क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।